Hello everyone, I'm Ramesh Nisad and I welcome you all on behalf of Abhipsa and Abhipsa team. जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन 2023, जिसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और पिछले ईयर में पूछे भी गए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में आपको वो सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लूप्रिंट को लेकर के, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैं 20 MCQs को आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। इन द बिगनिंग द लिटिल काइट वॉज, प्रारंभ में जो छोटी पतंग थी वो थी, कैसी थी? ऑप्शन ए दिया है इंस्पायर्ड, ऑप्शन बी दिया है नॉट कॉन्फिडेंट, ऑप्शन सी दिया है थ्रिल्ड एंड ऑप्शन डी दिया है एक्साइटेड। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप चीज़ों को इमेजिन करिए, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उन चीज़ों को आप इमेजिन करिए, क्योंकि इमेजिनेशन में काफ़ी शक्ति होती है। जिन चीज़ों को हम इमेजिन करते हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक स्थिर रहती है। तो छोटी पतंग प्रारंभ में कैसी थी? तो इसमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा, नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी, उसके पास आत्मविश्वास का अभाव था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैंकनसॉप हैज़ ब्लैंक ग्रैंड मदर्स, यानी बैंकनसॉप की कितनी ग्रैंड मदर्स हैं? ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 1 एंड ऑप्शन डी दिया है नन। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जो है ऑप्शन डी सही होगा, नन, उसकी एक भी ग्रैंड मदर नहीं है, वो बहाने करता है। और कब कब कैसे वो बहाने करता है? तो डेथ ऑफ हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी माँ की, अपनी जो ग्रैंड मदर है उसकी डेथ का बहाना करता है। किस चीज़ से अवॉइड करने के लिए? टू अवॉइड पी, यानी फिजिकल एजुकेशन से परहेज करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। डेंटिस्ट के पास विजिट करने जाता है तो वो अवॉइड मैथ टेस्ट से अवॉइड करने के लिए। फॉरगोट द किट, तो ये अवॉइड फॉर पी, टू अवॉइड पीई यानी फिजिकल एजुकेशन। बैड हैंड यानी हाथ खराब है करके कब बहाने करता है? टू अवॉइड आयरनिंग द किट। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई आर वी ऑल द सेम इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स। इस पोएम में हम सेम हैं, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए दिया है वी ऑल लुक अलाइक, ऑप्शन बी दिया है वी आर ऑल प्लेइंग, ऑप्शन सी दिया है वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑप्शन डी दिया है वी ऑल आर फ्रेंड्स। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जो है ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हम सभी क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द पोएम अबाउट मी आई हैव ब्लैंक नेम्स। अबाउट मी, इस पोएम में कितने नाम हैं स्पीकर के? ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 एंड ऑप्शन डी दिया है 4। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा, 2। कौन कौन से नाम है? हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, अरे तुम और तुम्हारा क्या नाम है, तो ये दो नामों से जाना जाता है, तो आपको इसको याद रखनी है। नेक्स्ट है, व्हाट प्लेस डज सुम्बा इमेजिन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सुम्बा है वो कौन से प्लेस को इमेजिन करती है। तो ऑप्शन ए दिया है नॉर्मल, ऑप्शन बी दिया है एडवेंचरस, ऑप्शन सी दिया है बैड एंड ऑप्शन डी दिया है लोनली। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा, वो एडवेंचरस जो प्लेस है ऐसे प्लेस को इमेजिन करती है। और कौन कौन से प्लेसेस है देख लेते हैं। फॉरेस्ट को इमेजिन करती है, माउंटेन को इमेजिन करती है, टॉप्स यानी माउंटेन टॉप्स को, स्ट्रीम को इमेजिन करती है, धाराओं को, जलधाराओं को, हिल्स को एंड एरी केव्स भयानक जो गुफा है, इन सारी चीज़ों को वो इमेजिन करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ, छोटी पतंग सफल हुई किस वजह से? ऑप्शन ए दिया है द बिग काइट, ऑप्शन बी दिया है हिज एफर्ट्स, ऑप्शन सी दिया है द वाइंड, ऑप्शन डी दिया है अदर काइट्स। किस वजह से वो सफल हुई? सो वो अपनी एफर्ट्स की वजह से, अपने प्रयासों की वजह से वो सफल हुई, तो हिज एफर्ट्स यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकनसॉप मिस्ड द ब्लैंक टेस्ट। बैंकनसॉप कौन से टेस्ट को मिस करता है? ऑप्शन ए दिया है इंग्लिश, ऑप्शन बी दिया है मैथ्स, ऑप्शन सी दिया है साइंस एंड ऑप्शन डी दिया है हिंदी। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा, वो मैथ्स का जो टेस्ट है उसको वो मिस किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
What did the bad guys do? जो बुरे लोग हैं, bad guys हैं, वो क्या करते थे? Option दिया है played and talked to us. Option B दिया है said bad words about us. Option C दिया है said they are our friends. Then option D दिया है said good words. So इनमें से कौन सा option सही होगा? इनमें से जो है option B सही होगा, said bad words about us. तो ये स्पेशल लोगों के बारे में वो बैड वर्ड्स कहते थे, तो ये बैड लोग बैड वर्ड्स कहते थे. तो इस तरह से आपको याद रखनी है. नेक्स्ट है द स्पीकर इन द पोएम अबाउट मी इज. अबाउट मी जो पोएम है, इस पोएम में स्पीकर कौन है, कौन है स्पीकर? ऑप्शन ए दिया है एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय. ऑप्शन बी दिया है अ टॉपर इन द क्लास. एंड ऑप्शन सी दिया है गुड स्पोर्ट्समैन. एंड ऑप्शन डी दिया है अ गुड सिंगर. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से ऑप्शन ए सही होगा, इन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय. यही है स्पीकर अबाउट मी में. नेक्स्ट देखते हैं शुम्बो प्लान्स टू हर्डल देम. हर्डल हियर मींस शुम्बो प्लान करती है हर्डल करने के लिए. हर्डल का मीनिंग कहा क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए दिया है वेलकम. ऑप्शन बी दिया है जंप ओवर. ऑप्शन सी दिया है ओवरकम. एंड ऑप्शन डी दिया है अक्रॉस. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जो है ऑप्शन सी सही होगा, ओवरकम, यानी विजय हासिल करना चाहती है. नेक्स्ट देखते हैं द बॉयज लुक्ड लाइक फ्रॉम द स्काई एज. जो लड़के हैं वो स्काई से कैसे दिखाई देते थे या कैसे दिखाई दे रहे थे? ऑप्शन ए दिया फुटबॉल की तरह. ऑप्शन बी दिया है प्लांट्स की तरह. ऑप्शन सी दिया स्मॉल स्पोर्ट्स की तरह. एंड ऑप्शन डी दिया है एंट्स की तरह. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब काइट जो ऊपर में चली जाती है, ऊपर उड़ जाती है, तब वो देखती है बच्चे खेल रहे होते हैं, बॉयज खेल रहे होते हैं, तो वो कैसे दिखाई देते हैं? तो वो ऐसे दिखाई देते हैं, स्पोर्ट्स की तरह, स्मॉल स्पोर्ट्स की तरह. तो ये ऑप्शन सी सही होगा. नेक्स्ट देखते हैं बैंकनशॉप वॉज अपसेंट बिकॉज ही वेंट टू. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बैंकनशॉप है वो अपसेंट था. क्यों? क्योंकि वो गया था. ही वेंट टू कहाँ गया था? ऑप्शन ए दिया है डेंटिस्ट. ऑप्शन बी दिया है पाल्मिस्ट. ऑप्शन सी दिया है एसिस्ट. एंड ऑप्शन डी दिया है केमिस्ट. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो किसके पास गया था बैंकनशॉप? तो वो गया था डेंटिस्ट के पास. ठीक, तो ऑप्शन ए सही होगा. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. बैड गाइज आर. बैड गाइज कौन है? ऑप्शन ए दिया है हु डिस्टर्ब्ड द बॉयज. ऑप्शन बी दिया है हु इनकरेज्ड द बॉयज. ऑप्शन सी दिया है हु प्रेज्ड द बॉयज. एंड ऑप्शन डी दिया है हु ऑब्जर्व्ड द बॉयज. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बैड गाइज कौन है? तो बैड गाइज है हु डिस्टर्ब द बॉयज, यानी ऑप्शन ए सही होगा. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीकर्स कंप्लेंट इज दैट ही इज ब्लैंक इन पोएम अबाउट मी. स्पीकर, हु इज स्पीकर? जो कंप्लेन करता है, यानी जो स्पीकर है वो कंप्लेन करता है कि उसको क्या किया जाता है इस पोएम में, अबाउट मी में. ऑप्शन ए दिया है सपोज्ड. ऑप्शन बी दिया है इग्नोर्ड. ऑप्शन सी दिया है लाफ्ड. एंड ऑप्शन डी दिया है सपोर्टेड. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से ऑप्शन बी सही होगा. वो क्या कंप्लेन करता है स्पीकर? स्पीकर कंप्लेन करता है कि उसे क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुम्बा इमेजिन्स ब्लैंक इन द पोएम. सुम्बा इमेजिन करती है किसको इस पोएम में? डॉग्स को, कैट्स को, रैट्स को, या फिर ड्रैगन्स को? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से ऑप्शन डी सही होगा. वो ड्रैगन को इमेजिन करती है. और किन किन चीज़ों को, कौन कौन से जीवों को इमेजिन करती है? तो वो स्ट्रेंज पर्सन को, हंग्री वॉल्व्स को, बियर्स को, गॉब्लिन फॉक्स को एंड स्पाइडर्स को, इतनी सारी चीज़ों को वो इमेजिन करती है. तो इन चीज़ों को आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. अब एग्ज़ाम में जैसा कि ये ड्रैगन दिया है, कभी स्पाइडर दे दिया, तो आपको इनको याद रखनी है. नेक्स्ट द बिग काइट फ्लो अवे बिकॉज. जो बड़ी पतंग है वो ऊपर उड़ जाती है. क्यों उड़ जाती है? तो ऑप्शन ए दिया ही वॉज काइंड. ऑप्शन बी दिया है ही वॉन्टेड टू इनकरेज द लिटिल काइट. ऑप्शन सी दिया है ही वॉज क्लेवर. एंड ऑप्शन डी दिया ही वॉज बोल्ड. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से ऑप्शन बी सही होगा. ही वॉन्टेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, क्योंकि वो छोटी पतंग को इनकरेज करना चाहती थी, इसीलिए बड़ी पतंग जो है वो उड़ जाती है.
Now let's see next question. Our next question is Bengal shop did not bring the blank for PE. Bengal shop जो है PE के लिए क्या नहीं लाया था? Option A दिया है money, option B दिया है book, option C दिया है kit and option D दिया है fee. So which answer will be correct? So इनमें से कौन सा option सही होगा? Option C सही होगा kit. वो PE के लिए kit लाना भूल गया था या नहीं लाया था. Now let's see next question. In the poem about me, the poet wants to be treated at least like. यहाँ पे poem में about me में जो poet है वो क्या चाहते हैं कि उन्हें किस तरह से treat किया जाए. Option A दिया है animal की तरह, option B दिया है bird की तरह, option C दिया है angel की तरह and option D दिया है person की तरह. So इनमें से कौन सा option सही होगा? इनमें से ऑप्शन डी सही होगा. वो चाहते हैं कि उन्हें एक पर्सन की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाए. तो ऑप्शन डी सही होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंकिंग शॉप कुडंट आयरन हिज शर्ट बिकॉज ही हैड अ बैड हैंड. बैड हैंड मीन्स क्या? बैड हैंड मीन्स क्या होता है? मीन्स बैंकिंग शॉप जो है वो अपनी शर्ट को आयरन नहीं करता है, प्रेस नहीं करता है क्योंकि उसके बैड हैंड है. तो बैड हैंड का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए दिया है ही वॉज इंजर्ड, ऑप्शन बी दिया है ही आयरन बैडली, ऑप्शन सी दिया है ही हैड अ डर्टी हैंड एंड ऑप्शन डी दिया ही हैड नो हैंड ऑफ. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जो है ऑप्शन ए सही होगा, ही वॉज इंजर्ड. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई लाइक टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, they like to play with me, who are I and my friends. यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करता हूँ और वो भी मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं. अब यहाँ पे I कौन है और my friends कौन है? कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है poet and his relative, ऑप्शन भी दिया है a disabled child and his friends and option C है the boy and his classmates, option D है the bad boy and his friends. So which answer will be correct? So इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इनमें से ऑप्शन बी सही होगा, a disabled child and his friends. So ये आपका आंसर रहेगा. ये I है और इनके जो फ्रेंड्स हैं वो है my friends. ठीक है. So इस तरह से आज हमने 20 important MCQs complete कर लिए हैं. आई होप कि ये आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, यानी काफ़ी संभावना है. और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 5 नंबर के आते ही हैं, यानी आपका 5 नंबर पक जाएगा. सो इस तरह से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.